हेलो डियर गाइस, वेलकम टू बैक आवर चैनल वंस अगेन। सो दोस्तों, आज फिर से एक नया वीडियो बनाएंगे, नया पेंटिंग बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रे बाबा, मैं पेंसिल से इसको ऐसे इस तरह से ड्रा कर लूँगा रे, और उसके बाद मैं करूँगा एक्रेलिक पेंट का यूज़। ये ऑरेंज कलर में मैंने थोड़ा सा वाइट मिक्स किया है, तो थोड़ा सा लाइट तो कलर बनता है ना रे। फिर थोड़ा प्योर ऑरेंज यूज करेंगे और ऐसे इस तरह से हम शेड करेंगे, ठीक है? ध्यान से ब्लेंडिंग करना है रे बाबा, नहीं तो गड़बड़ होता है रे। उसके बाद ये ऑरेंज कलर में मैंने थोड़ा सा ब्लू यूज किया है और उसको यूज किया है रे। जब तक ब्लेंडिंग नहीं होता है रे अच्छी तरह से, तब तक करते रहना रे। रिटार्डर से मस्त ब्लेंडिंग होता है रे बाबा। हाँ, तो अब लेंगे पर्शियन ब्लू और इसको इस तरह से पूरे स्काई पे फैला देंगे रे। मस्त फैलाने का रे बाबा, पूरा पेपर पे मस्त फैलाने का, इस तरह से किधर भी छूटने को नहीं मांगता है, क्या बोला? क्या लग रहा है, ऑरेंज और ब्लू का कॉम्बिनेशन, वाह मस्त, मजा आ गया रे भाई। जब तक अच्छी तरह से स्काई का इफेक्ट नहीं आता है, तब तक करते रहना है। लो भैया, स्काई तो रेडी हो गया, अब करेंगे पानी। पानी को पेंट करना आसान है रे, बस जैसे तुमने स्काई को किया है ना, वैसे ही सेम करने का रे। देखो इस तरह से। उड़ी बाबा, स्काई और पानी तो कंप्लीट हुआ रे। उसके बाद बनाएंगे मस्त पाई की ये आइस बादल। बादल बनाना बहुत आसान है रे, बहुत आसान है। मस्त पाई की व्हाइट कलर लेने का और उसको इस तरह से पैच मारने के रे, ऐसे इस तरह से घुमाने का ब्रश हो जाता है रे। ज्यादा टेंशन नहीं लेने का है बादल करने के लिए, मस्त पैच मारने के। जब तक मैं बादल बनाता हूँ, पेंटिंग करता हूँ, तब तक तुम वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, थोड़ा सा कमेंट्स भी कर दो, अच्छा लगता है रे मुझे भी। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दो मस्त पाई के, अच्छा है रे बाबा, थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा तो अच्छा लगता है रे। और मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको कौन सा कलर यूज करना ज्यादा पसंद है, एक्रेलिक, ऑयल पेस्टल, सॉफ्ट पेस्टल, पोस्टर कलर, वाटर कलर या और कुछ? प्लीज मेंशन करना आप कौन सा मीडियम यूज करते हैं, अच्छा लगता है रे, मुझे भी अच्छा लगता है। चलो भाई, अब हमारे ये हो गए हैं बादल तैयार, ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो देखो इस तरह से हो गए भाई कंप्लीट। अब इन बादलों का रिफ्लेक्शन वाटर में दिखाने को मांगता है ना रे, बराबर है कि नहीं? हाँ, तो ऐसे इस तरह से हम ब्रश को घुमाएंगे, थोड़ा थोड़ा ऐसा पैच मारेंगे और ये हमारे रिफ्लेक्शन तैयार हो गया है ना सर। अभी लेंगे ब्लैक कलर और उसको इस तरह से हम माउंटेन बनाएंगे, देखो कितना आसान है ना, आसान है ना, है ना, ये देखो कैसे कर रहा हूँ मैं, देखो इजी, ऐसे ऐसे ब्रश घुमाने का, ऊपर नीचे नीचे ऊपर आगे पीछे, बस हो गया माउंटेन तैयार। उड़ी बाबा, उसका भी रिफ्लेक्शन बताना पड़ेगा इस पानी में, मैं तो भूल गया था रे। लो बाबा, वो भी कर देंगे, वो काय को छोड़ने का। ये पैच मारने के लिए मैंने एक छोटा ब्रश यूज किया है, अभी नंबर तो कुछ याद नहीं आ रहा है, अगर मैं याद आए तो मैं लिख दूंगा। हाँ, लेकिन पैच मारने का ऐसे खड़े खड़े मार देने के, आड़े तेड़े नहीं मारने के रे बाबा, वाटर लगना है मस्त पैकी। आइला, क्या लग रहा है ये पानी में ये माउंटेन, वाह वाह वाह, बनाने के लिए भी आसान है और करने के लिए, देखने के लिए भी मजा आता है, वाह वाह वाह। अभी सब इतना होने के बाद अगर हम सूरज चाचू को भूल गए तो कैसा होगा भाई?
तो सूरज चाचू तो बनाना पड़ेगा ही ना। तो इसके लिए मैंने थोड़ा येलो का यूज किया है, येलो कलर लेने का और इसको ऐसे तो बस ऐसे घुमाने का, इधर से एक पैच मारने का, उधर से एक पैच मारने का और हमारा सूरज चाचू तैयार। और ध्यान रहे रे बाबा, सूरज चाचू को भी रिफ्लेक्शन में लाना पड़ेगा वाटर में, नहीं तो सूरज चाचू बुरा मान जाएंगे। अभी लेंगे ब्लैक कलर और ब्लैक कलर से ये थोड़ा सा इस पानी के जगह पर थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और छोटे छोटे माउंटेन की जगह बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें पेड़ उगाने हैं वो भी नारियल के। नारियल के पेड़ बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान है रे बाबा, बहुत आसान है। बस ब्लैक कलर का लेने का और ये ऐसे इस तरह से लाइन मारने के, लाइन बोले तो लाइन बोले तो पेंट की लाइन रे। हाँ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करने करे बाबा, हाँ बोल देता हूँ। तो उसके बाद में ये ऐसे लकीर होने के बाद, पैच होने के बाद ये ऐसे इसको बस ऐसे छोटे छोटे पैच मारने के उन लाइंस को, और देखो कैसे हो जाता है तुम्हारा पेड़ तैयार। फिर बोलना मुझे है ना आसान। जब तक कि मैं और पेड़ बनाता हूँ तब तक दोस्तों प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक कर दो भाई, थोड़ा सा लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ऐसे वीडियो आते रहेंगे भाई मजेदार। लो भैया ये भी पेड़ तैयार हो गया है, वाह मजेदार। अब इसको नारियल टंगाने के नहीं टंगाने के ये तुम सोच रहे, मैं काय को बोलूं आपको। अब मेरे पास ब्लैक कलर थोड़ा सा और बचा था तो मैंने सोचा चलो भाई और एक पेड़ बना देते हैं, उसको भी थोड़ा सा और अच्छा लगेगा यहाँ पे। कैसे लग रहा है ये पेड़? हाँ बोलने का, डरने का नहीं, घबराने का नहीं, शर्माने का नहीं, बोलने का, कमेंट्स में बोलने का कैसे लग रहा है। लो भैया हो गई हमारी पेंटिंग तैयार, अब निकालेंगे ये मास्किंग टेप और देखो कैसी लग रही है। अब क्या मुझे फिर से याद दिलाना पड़ेगा लाइक करने का, शेयर करने का? चलो जल्दी से ठोक दो लाइक और शेयर। हाँ और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो और वो घंटी बजाना मत भूलना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।